मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ हुआ बड़ा खेल। बीजेपी ने चाचा शिवपाल के करीबी को दिया टिकट। डिंपल के खिलाफ बीजेपी के रघुराज साक लड़ेंगे चुनाव। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रघुराज साक को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद मैनपुरी में डिंपल यादव की राह मुश्किल हो गई है, क्योंकि रघुराज साक के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, उससे पहले सपा में भी थे। इसके अलावा शिवपाल यादव के करीबियों में से उनका नाम गिना जाता है। वहीं उन्हें पिछले दिनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में शामिल कराया था, जिसके बाद रघुराज को डिंपल यादव के सामने मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। डिंपल यादव ने सोमवार को ही अपना नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान डिंपल और अखिलेश से अधिक चर्चा में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव रहे। उनके नाम पर ही वोट मांगते अखिलेश यादव दिखते रहे। पूर्व सपाई और शिवपाल के करीबी रघुराज को उतार कर बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जिस चुनौती से निपटना अखिलेश यादव के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। शिवपाल यादव भले ही सोमवार को दिनभर लखनऊ कार्यालय में बैठकर भविष्य की रणनीति बनाते दिखे, वहीं उनके साथी रहे रघुराज साक की बीजेपी से उम्मीदवारी ने चुनावी हलचल बढ़ा दी। रघुराज साक को शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है। यूपी चुनाव 2022 से ठीक पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छोड़कर रघुराज साक ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। रघुराज साक इटावा सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं। उन्हें यूपी चुनाव से ठीक पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में इसी साल फरवरी के माह में भाजपा की सदस्यता दिलाई गई थी। करीब 53 वर्षीय रघुराज साक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। रघुराज साक 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे। साल 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। यूपी चुनाव 2022 में इटावा सदर सीट से उम्मीदवारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया था। रघुराज साक ने सपा और प्रसपा से इसलिए भी रिश्ता तोड़ लिया था क्योंकि गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने केवल शिवपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, इसी कारण उन्होंने अपनी राह अलग कर ली थी। रघुराज साक ने 27 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। रघुराज साक ने तब परिवार की लड़ाई में खुद को अपमानित करने का आरोप सीधे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर लगा दिया था। इसके बाद वे शिवपाल यादव के साथ जुड़ गए। 5 साल उनके साथ रहे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास भी किया, हालांकि चुनाव के समय में उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया। रघुराज साक के पास जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का साथ है, वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव के पास नेता मुलायम सिंह यादव की सहानुभूति। ऐसे में मैनपुरी की सीट का मुकाबला देखने वाला होगा। बीजेपी ने इसके अलावा रामपुर और खतौली सीट से भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। खतौली सीट से राजकुमारी सैनी और रामपुर उपचुनाव से आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।